सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न तबला बीट्स में और आज की हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको ताल कहरवे में एक बहुत ही तीन प्रकार की सुंदर लगियों के बारे में जानकारी देंगे, उसके साथ साथ ही उसको फिनिश कैसे करना है उसकी तिहाई के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अब हम आप ताल कहरवे में बजाई जाने वाली ये सुंदर लगियों के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों यह जो आपने पहली लगी के बोल सुने हैं, इसके बोल हैं दहनाती धीनाती तेट तानाती धीनाती धेट। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बार फिर दहनाती धीनाती तेट तानाती धीनाती धेट। पहले हम जो फर्स्ट लाइन है उसको कंप्लीट करेंगे, दहनाती धीनाती तेट, धाना ती, जो ती है हमने अपनी सेंटर फिंगर से प्ले करना है, धाना ती, धी जो बोल है धी, हमने डुग्गी को इंडेक्स फिंगर से और जहां भी इंडेक्स फिंगर से बजाना है, धी को होल्ड करना है, जैसे हम धेट बजाते थे उसी प्रकार धाना ती धी, धाना ती धी, उसके बाद नाती तिट, धानाती धेनाती, धानाती धेनाती, लास्ट में तिट आ जाएगा, धानाती धेनाती तिट। जो तिट बजाना है हमने रिवर्स इंडेक्स फिंगर से शुरू कर और मिडिल फिंगर से फिनिश करना है इस प्रकार। और जो खाली है पहले हम तानाती बोल लगा देंगे, तानाती धेनाती धेट लगा देंगे लास्ट में, तानाती धेनाती धेट, लास्ट में धेट आ जाएगा और स्टार्टिंग में ता बोल आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, तानाती धेनाती तेट। धेट भी हम जब तेट बजाते थे उसको रिवर्स बजाते हैं, और जब धेट बजाएंगे वो भी हम रिवर्स बजाएंगे, लेकिन उसके साथ हम इंडेक्स फिंगर का गेप अपना प्रयोग करेंगे, धेट, तानाती धेनाती धेट। आप मिडिल फिंगर से भी धेट बजा सकते हैं। इस लगी की स्लो स्पीड में प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब सभी बोलों को बजाते हैं, धानाती धेनाती तिट, तानाती धेनाती धिट।
दोस्तों यह जो लगी आपने सुनी इसके बोल हैं धा तिट धा नाती तिट ता तिट धा नाती धिट। जैसे बोल देख रहे हैं आप धा तिट धा नाती तिट ता तिट धा नाती धिट। सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन धा तिट धा नाती तिट जो बोल बाकी हैं धा तिट धा नाती वो बिल्कुल सिंपल बेसिक बोल हैं और जो तिट लास्ट वाला बजाएंगे इसको हम रिवर्स बजाएंगे इस प्रकार धा तिट धा नाती तिट इस प्रकार। और आगे ता तेट धा नाती धेट उसी प्रकार खाली में हम पहले ता बोल लगा देंगे और लास्ट में धेट बोल लगा देंगे। धेट को भी रिवर्स ही बजाएंगे ता तेट धा नाती धेट। सभी बोलों को बजाते हैं धा तेट धा नाती तेट ता तेट धा नाती धेट। दोस्तों इन लगियों की सही तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद आपकी जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है उसमें आपने फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और उसमें वजन भी आएगा। जैसे कि आप शाही पर जो भी बोल बजाएंगे उसको शार्पनेस मिलेगी। लगी के बोल आपने सुने इसके बोल हैं धा ना धन आती तिट ता ना धन आती धिट धा ना धन आती तिट ता ना धन आती धिट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी प्रकार दोस्तों बोल के इसके भी बेसिक ही हैं बोल, लेकिन जो पहला धा है उसके बाद हम हाफ मात्रा का स्पेस देंगे और फिर जब खाली बजाएंगे तब ता बजाने के बाद हम हाफ मात्रा का स्पेस देंगे। तो जैसे कि पहली लाइन है धा ना धा नाती तेट, याद रखिए तेट और धेट बोल दोनों को हमने रिवर्स बजाना है। तो चलिए धा ना धा नाती तेट ता ना धा नाती धेट। दोस्तों जो धा बोल आएगा उसको हम थोड़ा लंबा कर देंगे धा इस प्रकार, फिर हम कंटिन्यू करेंगे इस प्रकार खाली धा ना धन आती तिट ता ना धन आती धिट। दोस्तों अब बात करते हैं इन लगियों में जो हम तिहाई लगाएंगे उसको किस प्रकार लगाएंगे वो और उसके बोल क्या हैं कि हम अपनी लगी को सही तरीके से सम पर लाकर फेंक सकें। उसके बोल हैं नाती तेट धा नाती तेट नाती तेट धा नाती तेट नाती तेट धा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी प्रकार
नाति तेट नाति तेट धा, नाति तेट नाति तेट धा, नाति तेट नाति तेट धा, लास्ट में हमारा सम आएगा। नाति बोल सेम रहेगा और तेट को हम रिवर्स बजाएंगे। जैसे हम एक लगी को ले लेते हैं धाना धनाति तेट, तो उसमें हम इस लगी को लगाएंगे। एक बार फिर इस प्रकार। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको ताल कहरमा में बजने वाली बहुत ही सुंदर लगियों के बारे में जानकारी दी और उसमें बजने वाली तिहाई के बारे में आपको बताया। तो और ऐसी वीडियोस के लिए, तबले के लेसन के लिए, कृपया हमारे चैनल लर्न तबला बीट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।